सो ये फ्रूट कस्टर्ड जो है ना, इसको एक हिस्टोरी है कि ये फ्रूट कस्टर्ड 1837 में विल्फ्रेड बार्ट, तो उनको वाइफ जो कि अंडा नहीं खाते थे उस समय, अंडा नहीं पिया खाती थी उन्होंने, तो उनको प्रॉब्लम है कि कस्टर्ड कैसे खाएं, क्योंकि बेसिकली जो कस्टर्ड है वो अंडा से बनते हैं। सो वो समय उन्होंने एक केमिस्ट थे, केमिकल का काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया, फ्रूट कस्टर्ड का इन्वेंशन उसको वजह से ही बनाया था उन्होंने, उनको वजह से इन्होंने इन्वेंट किए थे। तो ये कस्टर्ड पाउडर का हिस्टोरी है। कास्टर्ड को, कास्टर्ड पाउडर 2 चम्मच जो है कास्टर्ड पाउडर, उसको थोड़ा हम लोग एक ठीक पेस्ट बना लेने वाले हैं। ये भी अपना रेडी हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग सबसे पहले कास्टर्ड, कास्टर्ड बनने के लिए हम लोग दूध को हम लोग बॉयल करना पड़ेंगे। इसको शुगर आप अपने हिसाब से ऐड करते, पर हम लोग अराउंड 100 ग्राम्स के आसपास शुगर ऐड करते। शुगर का यदि शुगर और सॉल्ट ये जो रहती है टू द टेस्ट होता है, आपको कितना चाहिए वही सबसे आपको। तो अभी जब गुनगुने गर्म रहेंगे तब हम लोग धीरे धीरे जो कास्टर्ड पाउडर है, जो हम कास्टर्ड पाउडर का जो हम लोग पेस्ट बनाए थे उनको हम लोग मिक्स करेंगे। स्लो हीट में इसको होना चाहिए। जब हम मिक्स करते हैं तो धीरे धीरे एक हाथ से मिक्स करना चाहिए और एक हाथ से इसको जो कि है, एक हाथ से मतलब पोर करना चाहिए, डालना चाहिए, और एक हाथ से इसको मिक्स करना चाहिए। तो ये कितना कंसिस्टेंसी रहेंगे डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना कंसिस्टेंसी चाहिए। सो हम लोग इसको सेमी थिक रखते हैं। डिजर्व करेंगे जैम, सबसे पहले हम लोग जो जैम जो हम वाटर के साथ जो हम उसको कुक किए थे इसको डालेंगे हम लोग। ऐसे आप सीधा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालने से थोड़ा अच्छा। गार्निशिंग पर्पस के लिए एक या दो ही खले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम साइड में फ्रेश होना चाहिए। हमारा जो फ्रूट कस्टर्ड है वो रेडी है।